हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होम ऑटोमेशन पीसीबी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है 30 एम्पियर होम ऑटोमेशन पीसीबी। अभी तक जो मैंने पीसीबी डिज़ाइन की थी वो सिर्फ 10 एम्पियर करंट को हैंडल कर सकती थी, क्योंकि उसमें 10 एम्पियर का रिले लगा हुआ होता था, जो जिससे हम अपने छोटे मोटे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते थे जो ज़्यादा करंट कंज्यूम नहीं करते थे। लेकिन अगर हम अपने हैवी लोड अप्लायंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा एसी हो गया, गीजर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, कोई भी है वो अप्लायंसेस जो 30 एम्पियर या हैवी लोड अप्लायंसेस जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं, उसको हम उस होम ऑटोमेशन पीसीबी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें हैवी लोड अप्लायंसेस को कंट्रोल करना है तो हमें उसके लिए हैवी लोड रिले का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने एक नया होम ऑटोमेशन पीसीबी डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने 30 एम्पियर का रिले यूज़ किया है, जो 30 एम्पियर तक के करंट को हैंडल कर सकता है। तो इस पीसीबी का यूज करके जो हमारे हैवी लोड अप्लायंसेस है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। और इस पीसीबी के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इस पीसीबी में हमें दो ऑनबोर्ड एलईडीज मिल जाती हैं और दोनों एलईडीज प्रोग्रामेबल हैं। इन दोनों एलईडीज को हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर हमें वाईफाई इंडिकेटर बनाना हो या इस बोर्ड को टेस्ट करना हो, हम किसी भी तरीके से इन एलईडीज को यूज कर सकते हैं। और ये होम ऑटोमेशन पीसीबी ESP32 पे बेस्ड है, तो हम सारे पॉपुलर आईओटी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ब्लिंक हो गया, ESP रेनमेकर हो गया, Arduino IoT क्लाउड या फिर कार्डियो। हम उन सारे आईओटी प्लेटफॉर्म को इस पीसीबी के साथ यूज कर सकते हैं और अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू और मैनुअली भी। इसमें हमें मैनुअल इनपुट के लिए भी पोर्ट मिल जाते हैं, तो जो हमारे ट्रेडिशनल बटन्स होते हैं जो हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में इंटरनेट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू कहने का मतलब यह हो कि हम कहीं से भी, दुनिया में कहीं भी रह के अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारे पास हमारे स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, जैसे एलेक्सा हो गया या गूगल का असिस्टेंट हो गया, उससे भी अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ESP रेनमेकर का यूज करके दिखाऊंगा कैसे हम अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली और स्मार्ट स्पीकर्स के थ्रू। तो वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे कोड अपलोड करना है, अपने अप्लायंसेस को कनेक्ट कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर नेक्स्ट पीसीबी के बारे में बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पीसीबी चाइना की लीडिंग पीसीबी मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इस वीडियो को स्पॉन्सर की है। नेक्स्ट पीसीबी हाई क्वालिटी और रिलायबल पीसीबी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पीसीबी 100% गारंटी देती है प्रोडक्ट के क्वालिटी पे। अगर कोई इशू होता है तो ये फिर से पीसीबी बना के देंगे। और जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हाई एंड मटेरियल्स और इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे ताइवान के इलेक्ट्रोप्लेटिंग लाइंस और जर्मनी के फ्लाइंग प्रोब टेस्टर्स, जिसकी वजह से ड्यूरेबल और एफिशिएंट पीसीबी प्रोडक्शन होता है नेक्स्ट पीसीबी में। नेक्स्ट पीसीबी से पीसीबी ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पीसीबी कोड पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना गर्बर फाइल अपलोड कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पीसीबी सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। बस हमें यहाँ पीसीबी क्वांटिटी और कलर मास्किंग सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ अपना ईमेल ऐड करके ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है और बस हमारा ऑर्डर कंप्लीट। नेक्स्ट पीसीबी का एक सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे हमें एक इंस्टेंट कोटेशन मिल जाता है प्राइसिंग का, और ये फाइनल कॉस्ट होगा हमारे पीसीबी का इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। इसके बाद और कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होगा। और जो इनका डिलीवरी टाइम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर हम यहाँ पे फास्टेस्ट डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो पीसीबी है 4 से 5 दिन में डिलीवर हो जाएगी हमारे घर पे। एक बात और, नेक्स्ट पीसीबी फ्री असेंबली सर्विस प्रोवाइड कर रही है। किसी भी तरह का सेटअप फी, असेंबली फी या ऑपरेशन फी कुछ भी नहीं, टोटली फ्री। बस यहाँ आपको पीसीबी और कंपोनेंट्स की पेमेंट करना है बस। तो आप अपने फ्यूचर पीसीबी प्रोजेक्ट्स के लिए नेक्स्ट पीसीबी को कंसीडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपने होम ऑटोमेशन पीसीबी में कोड अपलोड करने के लिए यहाँ पे हम यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। अगर यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर नहीं है तो हम इस ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं कोड अपलोड करने के लिए। तो इस वीडियो में इस ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड का यूज करूंगा कोड अपलोड करने के लिए। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें अपने होम ऑटोमेशन पीसीबी को ESP32 के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले जो ये TX पिन है ESP32 का, उसको हमें TX पिन से कनेक्ट करना है अपने होम ऑटोमेशन पीसीबी के साथ। फिर उसके बाद जो RX पिन है उसको कनेक्ट करना है RX पिन होम ऑटोमेशन पीसीबी के साथ। और फिर यहाँ पे हमें ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड को कनेक्ट करना है ग्राउंड से। और फिर उसके बाद ये VCC है, VCC को कनेक्ट करना है 3.3 वोल्ट से। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, हमें जो एनेबल पिन है EN जो लास्ट में ESP32 में है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। अगर इसको हम नहीं कनेक्ट करेंगे तो जो भी कोड अपलोड करेंगे वो हमारे ESP32 बोर्ड में ही अपलोड हो जाएगा, ना कि हमारे होम ऑटोमेशन पीसीबी में अपलोड होगा। तो इसको मेक श्योर करें कि एनेबल को ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तभी जो कोड है हमारे इस होम ऑटोमेशन पीसीबी में अपलोड होगा।
ये रहा हमारा कोड, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड ESP रेन मेकर का है दो रिले कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइट वन और लाइट टू के नाम से अपने दो डिवाइस को डिफाइन किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने लाइट वन और लाइट टू दिया हुआ है और यह हमारा रिले जो है पिन नंबर 23 पे कनेक्टेड है और रिले जो दो है वो पिन नंबर 22 पे कनेक्टेड है। आप यहाँ पे पिन नंबर चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप अगर मेरा सेम PCB यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इस कोड में कोई भी चेंज करने की कोई नीड नहीं है। और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे इनपुट स्विच है वो पिन नंबर 34 और पिन नंबर 35 पे कनेक्टेड है। अगेन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा PCB यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो वाईफाई LED उसको पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर रखा है और जो पावर LED है वो पिन नंबर 13 पे है। एंड अगेन देन GPIO रिसेट बटन जो है वो पिन नंबर 0 पे कनेक्टेड है। तो अगर आप ये कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें टूल्स पर जाना है एंड देन बोर्ड में जाके यहाँ पर हमें ESP32 देव मॉड्यूल सेलेक्ट करना है एज अ बोर्ड। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पार्टीशन स्कीम में जाना है और यहाँ पे पार्टीशन स्कीम रेन मेकर सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे रेन मेकर नहीं सेलेक्ट करे होंगे तो यहाँ पर जो कोड है कंपाइल नहीं होगा और फिर अपलोड भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करके अपने कोड को अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमें अपने होम ऑटोमेशन PCB में बूट बटन को प्रेस करना है और होल्ड करना है। फिर उसके बाद रिसेट बटन को प्रेस करना है, फिर उसके बाद रिसेट बटन को छोड़ दीजिए और फिर बूट बटन को। इससे क्या होगा कि हमारा जो PCB है होम ऑटोमेशन PCB वो प्रोग्रामिंग मोड में चला जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करना है और हमें यहाँ पे एक QR कोड मिल गया, लेकिन ये QR कोड सही से विजिबल नहीं है। यहाँ पे हमें एक लिंक मिला है, इस लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको हमें अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। अब इस QR कोड को हमें अपने ESP रेन मेकर ऐप से स्कैन करना है और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटअप कर देगा। तो चलिए स्कैन करते हैं। इस ESP रेन मेकर ऐप को आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है, ये iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर इसको बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड डिवाइसेस पे क्लिक करना है और फिर जो हमारा QR कोड आया था उसको स्कैन करना है। यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है और इसका पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर हमारा डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। ये हमारे दो डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए बाकी कनेक्शन कंप्लीट करते हैं, अपने बल्ब को कनेक्ट करते हैं, अपने स्विचेस को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें अपने बल्ब और स्विचेस को कनेक्ट करना है। यहाँ मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए बल्ब ही यूज़ करूँगा, लेकिन आप अपने हैवी लोड अप्लाइंसेस को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने हैवी लोड अप्लाइंसेस जो 30 एम्पियर वाला है वो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पोजीशन पे कनेक्ट करना है और जो दूसरा हमारा नॉर्मल लोड 5 एम्पियर वाला है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे हमें अपने AC 220 वोल्ट पावर सप्लाई देना है और यहाँ पे जो हमारे इनपुट स्विच के लिए जो टर्मिनल है यहाँ पे हमें अपने इनपुट स्विच बटन्स को कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपने कनेक्शन को कम्प्लीट करता हूँ और फिर फाइनली देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम अपने मैनुअल स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं इसको और ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने अप्लायंसेस को। इसको ग्लोबली हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं इस ESP रेन मेकर के ऐप के थ्रू। और जो हम यहाँ पे मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं इसका हमें रियल टाइम फीडबैक भी ऐप में दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कैसे अपने जो स्पीकर हैं स्मार्ट स्पीकर उसको कैसे इसके ESP रेन मेकर के साथ इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमें सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर वॉइस सर्विसेज पे, और यहाँ पे हमें यहाँ अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है। तो हम यहाँ पे अमेजन एलेक्सा पे क्लिक करते हैं, देन हमें यहाँ पे लिंक विथ अमेजन एलेक्सा पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है,
थोड़ा समय वेट करना है। यहाँ पे लिख के आ रहा ऑलरेडी लिंक विथ अमेजन एलेक्सा, तो मेरा जो अकाउंट है ये पहले से ही लिंक है, तो मुझे अब फिर से लिंक करने की कोई नीड नहीं है। तो अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो इसमें आपको लिंक करना होगा। इसके बाद हमें अपने अमेजन एलेक्सा ऐप ओपन करना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने डिवाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ फिर ऑल डिवाइसेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट वन एंड लाइट टू दो डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ से भी अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये पावर ऑन पावर ऑफ। तो अभी हम एलेक्सा से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एलेक्सा में भी हमारा ये रियल टाइम फीडबैक यहाँ पे हमें शो करेगा। तो मैं आपको स्मार्ट स्पीकर, जो एलेक्सा का स्मार्ट स्पीकर आता है, उससे कंट्रोल करके दिखाता हूँ। कंप्यूटर टर्न ऑन लाइट वन, कंप्यूटर टर्न ऑन लाइट टू, कंप्यूटर टर्न ऑफ लाइट वन, कंप्यूटर टर्न ऑफ लाइट टू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहते हैं, कोड अपलोड नहीं हो या कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा और जो भी क्वेरी होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।